वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग बॉक्स से। तो हम लोग पीएचपी का क्लास शुरू किया था हम लोगों ने, और बेसिक जो एग्जाम का इंस्टॉलेशन सब कुछ हम लोगों ने सीखा, कैसे एग्जाम का इंस्टॉलेशन करना है, ठीक है। और फिर से बोल देता हूँ, प्रीवियस वीडियो को देख लेना, एग्जाम का इंस्टॉलेशन कैसे करना है, लोकल सर्वर में कैसे हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। और दूसरी बात है, हम लोगों ने देखा कि पोर्ट क्या होता है, HTTP में कौन सा पोर्ट चलता है, HTTPS में कौन सा पोर्ट चलता है 443, और यहाँ पर 80 पोर्ट, इस सभी के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं कि PHP में जो वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल एक्चुअली बॉक्स है, जो हम लोगों ने मतलब बचपन में पढ़ा होगा कि किसी भी चीज को अगर हम लोग नहीं जानते तो उसको एक्स पकड़ लेते हैं, कि मान लो कि राम के पास एक्स पैसे थे, उनमें से उसने 300 रुपये मतलब 300 रुपीज खर्चा कर दिया। आप बोलो मतलब और भी कुछ खर्चा मिला के अब बोलो कि इसके पास कितने पैसे हैं, तो एक्स पकड़ लेते थे इसको, तो वही है वेरिएबल। वेरिएबल एक्चुअली ये बॉक्स है जिस बॉक्स में डेटा टाइप रखा जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखा गया है, जैसे वेरिएबल लाइक ए बॉक्स वेयर यू कैन स्टोर इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए वेरिएबल का यूज होता है। तो याद रखना, किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के, जैसे कि मैंने बोला था कि एक पानी का ग्लास चाहिए, चाय रखने के लिए चाय का ग्लास चाहिए, तो ये हो सकता है कि आप मान लो कि ये है चाय के ग्लास, ठीक है। उसमें अगर टी यहाँ पर होगा, यहाँ पर टी रखा जाएगा या वाटर रखा जाएगा, तो ये पानी का ग्लास जो है फुलफिल होगा। कंटेनर चाहिए ना, तो जस्ट लाइक ए कंटेनर, ठीक है। तो ये हो गया वेरिएबल जस्ट लाइक ए कंटेनर, ठीक है, वेरिएबल जस्ट लाइक ए कंटेनर। एक कंटेनर चाहिए किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए, कंटेनर चाहिए, तो उस कंटेनर का जो काम है वही करता है वेरिएबल। इतना समझ में आया बस, ठीक है। अभी जो होता है क्या, वहां पर PHP में जो वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल में क्या स्टोर किया जाता है, उसमें स्टोर किया जाता है डेटा टाइप, डेटा टाइप्स, ठीक है, डेटा टाइप्स। तो इस क्लास में हम लोग चार बेसिक टाइप ऑफ डेटा टाइप के बारे में सीखेंगे, जो इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, बोलिन हो गया, ठीक है, एरे हो गया, थोड़ा सा और मतलब जानेंगे इसके बारे में। तो वेरिएबल हम लोगों ने देखा कि बॉक्स दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, इतना तक जान लिया। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए PHP में ये डॉलर का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलोड बाय डॉलर साइन वेरिएबल नेम, ठीक है। मान लो कि ए लिख दिया और मैं यहाँ पर नेम लिख दिया, तो इसमें समझ लेना कि PHP का वेरिएबल है, ठीक है। और इको के लिए हम लोगों ने देखा था कि प्रिंट करने के लिए इको बोला जाता है, ठीक है, इको लिखा जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पर PHP में डेटा टाइप्स जो है वो हम लोग आज सीखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप सी मतलब ये मान लो कि ये है ना कंटेनर जो है वेरिएबल, तो वेरिएबल में क्या रखा जाएगा, डेटा टाइप हो सकता है स्ट्रिंग हो सकता है, वो हो सकता है इंटीजर हो सकता है, वो हो सकता है फ्लोट हो सकता है, वो हो सकता है बूलियन हो सकता है, अरे हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, नाम हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो हम लोग इस बारे में ही थोड़ा बहुत जानेंगे। तो स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग में ऐसे डबल कोटेशन में रखा जाता है स्ट्रिंग, ठीक है। तो आगे चल के हम लोग देखेंगे इसके बारे में, ठीक है, मैं स्केप करता हूँ, ठीक है। तो चलो प्रोग्राम में चलते हैं, थोड़ा सा प्रोग्राम में जाने के लिए हम लोग पहले तो हम लोग देखेंगे कि कैसे क्लोजिंग किया जाता है, कैसे मतलब ऑन क्लोजिंग PHP में क्लोजिंग एंड PHP में कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है। लिखने के लिए थोड़ा सा एक ट्रिक याद रखेंगे हम लोग,
ट्रिक याद रखेंगे। उसके लिए हम लोग लास्ट चैप्टर में चलते हैं। लास्ट चैप्टर में मैंने एक तस्वीर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। तो ये है लेफ्ट एंगल ब्रैकेट और ये है राइट एंगल ब्रैकेट, आपको आ रहा है? ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक लड़की है जिसके कमर में दो हाथ है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली दिस इज रिप्रेजेंट लेफ्ट एंगल ब्रैकेट। ये शुरू होता है लेफ्ट एंगल ब्रैकेट से। ठीक है, पीएचपी का जो प्रोग्राम है वो शुरू होता है लेफ्ट एंगल ब्रैकेट से, यहाँ से शुरू होता है लेफ्ट एंगल ब्रैकेट से, खत्म होता है राइट एंगल ब्रैकेट से। तो इसको याद रखना, अगर किसी किसी को याद नहीं रहता तो लेफ्ट एंगल ब्रैकेट देन क्वेश्चन मार्क देन पीएचपी लिखना। तो मतलब ये पीएचपी का पोर्ट्रेट कोड यहाँ पर शुरू होगा। ठीक है, और फिर जो है यहाँ पर राइट एंगल ब्रैकेट, और ये जो है देखो इंटरचेंज हो रहा है ना, यहाँ पर क्लोज हो रहा है, यहाँ पर दरवाजा बंद हो रहा है, यहाँ पर दरवाजा खुल रहा है, यहाँ पर दरवाजा खुल रहा है, यहाँ पर बंद हो रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही याद रखो, इसको ऐसे ही याद रखो, ये क्लोज है और ये देखो ये ओपन हो रहा है, दरवाजा ओपन हो रहा है। तो हमने क्या लेफ्ट एंगल लेफ्ट हैंड से ओपन करना पड़ रहा है। तो लेफ्ट हैंड से ऐसे इमेजिन कर लो, पीएचपी में लेफ्ट हैंड से ओपन करना पड़ रहा है लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, देन आपका क्वेश्चन मार्क, तो आपको क्वेश्चन मार्क आगे क्यू। ठीक है, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट से लेफ्ट हैंड से क्यू ओपन करेंगे तो आपका क्वेश्चन आ गया क्यू, देन लिखना पीएचपी, ये हो गया आपका ओपन, और इसको कभी नहीं भूलना। ठीक है, फिर इसकी रिवर्स मोशन में, मतलब ए आ जाएगा बाहर क्लोज करने के समय, ए आ जाएगा बाहर और ए हो जाएगा इसका उल्टा। ठीक है, और देन पीएचपी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वही गलती हम लोगों ने किया था अगले वाले लेसन में, मतलब जानबूझ के किया था इसको दिखाने के लिए। तो फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या हम लोग इसको सही बोला हम लोगों ने, तो चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैम सर्वर जो है आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर लोकल लोकल सर्विस लोकल होस्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, इतना तक तो आप जानते हो, नहीं तो फर्स्ट क्लास जो है वो देख लेना। ठीक है, हम लोग चलते हैं डायरेक्ट कोडिंग में। ठीक है, डायरेक्ट कोडिंग में चलते हैं, पीएचपी कोड विजुअल स्टूडियो में चलते हैं। यहाँ पर विजुअल स्टूडियो में हम लोग कोडिंग करते हैं। तो क्या बोला था, लेफ्ट हैंड से हम लोगों को खोलना पड़ेगा, तो लेफ्ट एंगल ब्रैकेट हम लोगों ने ऑन कर दिया। ठीक है, ए पीएचपी लिखने के लिए ऐसा तरीका होता है, और फिर उनको क्या करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पी एच पी, देन इसको क्लोज तो करना पड़ेगा ना, तो इसको इंटर मारो, क्लोज करो, कुछ नहीं है आपको क्वेश्चन मार्क, देन राइट एंगल, बस हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, बीच में क्या लिखना होगा, इको का मतलब क्या है, इको का मतलब प्रिंट करना, मतलब देखो आ गया इको, यहाँ पर आ गया इको, तो इसको प्रिंट करना है। किसको प्रिंट करना है, ये है एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब जो डबल कोटेशन में रहेगा ना वो स्ट्रिंग होगा। तो मैं अपना नाम टाइप करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं अपना नाम टाइप कर दिया, लेकिन इसको तो क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगा। यहाँ पर जो फुल स्टॉप होता है, फुल स्टॉप ऐसे लिखा जाता है, मतलब ऐसे, मतलब जैसे कि हम लोग इंग्लिश में लिखने के समय फुल स्टॉप देते हैं, ये हो गया वो फुल स्टॉप का काम करेगा, सेमी कॉलन। ठीक है, तो इसको सेव करते, कंट्रोल एस सेव करते, इसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, आउटपुट देखने के लिए हमें फिर से कैमरा चेंज करो, ऑपरेटर लोकल होस्ट में हम लोग आगे, सॉरी दूसरे में देता हूँ, लोकल होस्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर कोडिंग रखता हूँ,
और दिस इज एक्चुअली हमारा छोटा सा कोड है और इसका आउटपुट हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलो यहाँ पर कुछ और प्रॉब्लम था, देखो यहाँ पर आ गया ना कार्टिंग बचता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया था पिछले वाले क्लास में, हम लोगों ने यहाँ पर PHP लिख दिया था, PHP लिख दिया था। तो अगर इसको सेव करेंगे तो ये आ गया यहाँ पर फिर से PHP दिखा रहे, देखो PHP दिखा रहे ना, वही हो रहा था प्रॉब्लम क्रिएट। तो मैंने इसको जानबूझ के किया, ठीक है। तो इको में ए हो गया हमारा एक्सप्रेन। अभी चलो हम लोग अब हम लोगों ने समझ लिया कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक्चुअली एक बॉक्स होता है, ठीक है, एक कंटेनर होता है जिसपे डेटा टाइप हम लोग रखते हैं। कौन कौन से डेटा टाइप हम लोग इसके साथ समझेंगे, बहुत सारे डेटा टाइप है, स्ट्रिंग है, बुलियन है और फ्लोट है, ठीक है। तो हम लोग इस एक प्रोग्राम के द्वारा एक डेटा टाइप को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो एक प्रोग्राम ले लेते हैं, छोटा सा स्मॉल एक प्रोग्राम हम लोग क्रिएट करेंगे और उसको चलाएंगे। आप लोग आ जाओ इधर, दोनों खोल लिया और यहाँ पर प्रोग्राम पुट करता हूँ। देखो यहाँ पर जो है एक पेन ऑन करता हूँ, यहाँ पर हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल है, वेरिएबल से कंटेनर मैंने लेट्स होल्ड डेटा, बस ये छोटा सा चीज ही आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। वेरिएबल रीयूजेबल कंटेनर है जो डेटा को होल्ड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो है स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्यों कैसे पता चला, देखो डबल कोटेशन में ये है, ठीक है, डबल कोटेशन में ये है स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पर देखो डबल कोटेशन नहीं है, यहाँ पर डबल कोटेशन नहीं है, ये है बुलियन। बुलियन में हम लोग जानते कि ट्रू और फॉल्स होता है, इधर ट्रू नहीं तो फॉल्स, ठीक है। तो फॉल्स को जो है वो रिजल्ट शो नहीं करेगा क्योंकि जीरो होगा और ट्रू होगा वन, ठीक है। तो बुलियन इंटरप्रिटेशन हम लोग सभी जानते कि बुलियन इंटरप्रिटेशन से इधर वन होगा या जीरो होगा, जीरो होगा वन होगा, यही है बुलियन इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो इको, इको का मतलब है प्रिंट करना, आउटपुट क्या है ये प्रिंट करेगा इको, माय नेम इज ब्रेक, ब्रेक का मतलब है खूबसूरती से ब्रेक, यहाँ पर एक लाइन पे आएगा फिर ब्रेक दिया टैग अगर लगा हुआ है पर तो दूसरे लाइन पे आएगा, ठीक है। तो 38 यहाँ पर दिया टैग लगा दिया तो दूसरे लाइन पे आएगा, तीसरे लाइन पे आएगा यहाँ पर परसेंटेज। अच्छा परसेंटेज का जो है यहाँ पर भी स्ट्रिंग में लगा सकते हो कोई इशू नहीं है, यहाँ पर इक्वल टू देख के भी कर सकते हो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये एक गुड प्रैक्टिस है जैसे मैंने किया, ठीक है। अच्छा यस और नो, यहाँ पर यस करोगे तो शो करेगा। तो चलो इसका जो आउटपुट है रिजल्ट जो है हम लोग देखते हैं अच्छे तरीके से, आप लोग समझ गए। फ्लोटिंग का मतलब है देखो यहाँ पर डेसिमल वैल्यू, ठीक है, तो डेसिमल वैल्यू जहां पर रहेगा वही है फ्लोटिंग, ठीक है। देखो यहाँ पर डेसिमल है ना डेसिमल, ठीक है। और एज, एज इंटीजर है, इंटीजर वेरिएबल, यहाँ पर कभी भी डबल कोटेशन मत देना तो ये स्ट्रिंग में आ जाए, स्ट्रिंग है जो वर्ड है वो यहाँ पर आता है, ठीक है। तो हम लोगों ने डेटा टाइप का क्या देखा, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट एंड बूलियन, ये चारों चीजों को हम लोगों ने इस प्रोग्राम के द्वारा देख लिया। चलो इसकी आउटपुट देखते हैं, आउटपुट देखते हैं। इसकी आउटपुट है जो यहाँ पर इसको सेव नहीं किया गया, इसीलिए सेट कीजिए करने के बाद इसकी जो आउटपुट, दिस इज द आउटपुट, हम लोग
कंट्रोल प्लस करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, कंट्रोल जीरो करेंगे तो इसकी नॉर्मल फॉन्ट पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जीरो जीरो करते हैं तो देखो नॉर्मल जो है बड़ा हो गया कंट्रोल सॉरी कंट्रोल प्लस साइन से। तो यहां पर हम लोग इसको ठीक करते हैं, बुलियन इंटरप्रिटेशन पी एस नो होगा, तो यहां पर अगर ट्रू करें तो शो करे तो यस, देखिए यहाँ पर नो था फिर भी यस किया। यहाँ पर देखो नो लिखा हुआ था स्टेटस में, यहाँ पर अगर कुछ दिखता भी नहीं हूं तो भी ऐसी रहेगा। ठीक है, क्योंकि बुलियन इंटरप्रिटेशन में ट्रू और फॉल्स होता है, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स मतलब यस और नो, यहाँ पर यस और नो, स्टेटस यस और नो, यहाँ पर वन कर देता हूँ और यहाँ पर जीरो अगर कर देते हैं तो देखो इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं, देन फिर से रिफ्रेस करते हैं इसको, रिफ्रेस करने के बाद देखो यहाँ पर स्टेटस वन दिखा रहा है। ठीक है, वन का मतलब है यस, इसका मतलब है यस। तो अगर मैं यहाँ पर इसको मैरिटल स्टेटस जो फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है फॉल्स करता हूँ कंट्रोल एस दबा के सेव करता हूँ तो ये देखो जीरो हो गया। ठीक है, शो कर रहा है जीरो, समझ गए आप, इतना तो समझ गए होंगे। तो यही है यहाँ पर जो ठीक तरीके से देख लीजिए, और हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कमेंट्स को करेंगे। ये है कमेंट्स, ठीक है, कॉमेंट्स एक होता है सिंगल लाइन कॉमेंट्स, एक होता है मल्टी लाइन कॉमेंट्स। तो सिंगल लाइन कॉमेंट्स क्या होता है, कॉमेंट्स ब्राउजर में शो नहीं करेगा, शो नहीं करेगा, कॉमेंट्स शो नहीं करेगा, सिंगल लाइन कॉमेंट कॉमेंट कॉमेंट्स क्या कॉमेंट्स ओनली फॉर द डेवलपर के पर्पज से होता है, डेवलपर के लिए होता है, जो डेवलपर होते हैं डेव लिख दिया, डेवलपर होते हैं उनके लिए होता है कि जो यहाँ पर क्या क्या लिखा गया उनको पढ़ने की सुविधा के लिए, उनको अच्छा मतलब प्रोग्रामिंग करने के लिए ठीक ठाक। और एक होता है मल्टी लाइन कॉमेंट्स, मल्टी लाइन कॉमेंट्स स्टार आएगा, ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए एस्टरिस्क आएगा, एस्टरिस्क, ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन मल्टी लाइन कॉमेंट, ठीक है, ये भी डेवलपर के लिए होता है। अच्छा, यहाँ पर इसको क्लोज भी करना पड़ता हो, क्लोज भी करना होगा, ठीक है, क्लोज, और ये हो गया सिंगल लाइन, ये दोनों कॉमेंट्स होते हैं, याद रखनी। ठीक है, अगर सेव करते हैं तो ये शो नहीं करेगा, मतलब ब्राउजर में ये शो नहीं करेगा, यहाँ पर सिंगल लाइन पर मल्टी लाइन, ठीक है, ये डेवलपर के लिए होता है। ठीक, ये भी शो कर रहा है क्योंकि बाहर आ जाएगा, ठीक है, कट कर देता हूँ, देखो यहाँ लिखता हूँ, देखो अभी शो नहीं करेगा क्योंकि हम लोगों ने प्रोग्राम के बाहर लिखा था। अच्छा, PHP में HTML का इस्तेमाल भी हम लोग कर सकते हैं, सेव कर रहा हूँ,
देखो शो कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, इसके बाहर लिखा था, मतलब जो क्लोजिंग है पीएचपी क्लोज है उसके बाहर लिखा था। पीएचपी में कभी भी आप एचटीएमएल यूज कर सकते हो, जैसे कि ब्रेक, यहाँ पर ब्रेक टैग का हम लोगों ने यूज किया, वो एचटीएमएल का कोड है, वो हम लोग यहाँ पर यूज किया। तो हम लोग थोड़ा सा मतलब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि पीएचपी में कैसे एचटीएमएल का इस्तेमाल किया जाता है। कभी भी आप पीएचपी में एचटीएमएल का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इंडेक्स डॉट पीएचपी है, फाइल जो है पीएचपी का फाइल ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कभी भी आप कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो HTML का प्रयोग कर सकते हो HTML का, जैसे कि हम लोग मान लेते कि एक वेरिएबल को, तो हम लोगों ने देखा वेरिएबल का इस्तेमाल भी देखा, और भी कुछ हम लोग को देखना पड़ेगा। रुकिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ HTML का इस्तेमाल करके, यहाँ पर प्रोग्रामिंग में हम लोग अभी HTML का इस्तेमाल करके देखिए। यहाँ पर HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML शुरू हुआ, हेड PHP टेस्ट, ठीक है, इको हेलो कार्ड लिखा है, टुडेस डेट एंड टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये प्रोग्राम है डेट एंड टाइम को प्रिंट करने के लिए, टुडेस डेट एंड टाइम, ठीक है। तो चलो इसको हम सेव करते हैं, आज का डेट एंड टाइम वो शो करेगा, देखो आज का डेट एंड टाइम शो कर रहा है, हेलो कार्तिक, टुडेस डेट डेट इज टाइम डेट 24/07/06, ठीक है, डेट एंड टाइम आपका शो करेगा, उसको प्रिंट कर दिया। ये है हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, देखिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट टाइप जो HTML शुरू हुआ, और यहाँ पर टाइटल, टाइटल में PHP टेस्ट, ठीक है, टाइटल में PHP टेस्ट कहाँ पर आ रहा है, टाइटल का देखो यहाँ पर आ रहा है PHP कोर्स, यहाँ पर टाइटल में आ रहा है, यहाँ पर हेड टैग भी लगा सकते हैं, यहाँ पर हेड टैग, यहाँ पर हेलो कार्तिक, यहाँ पर टू कर देते हैं, ऊपर टू कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, सेव करो। और यहाँ पर छोटा हो गया, ठीक है, ये भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, हेड टैग, ठीक है, मैं फिर से इसको ठीक करता हूँ, थोड़ा सा इसको ठीक सेव करता हूँ, और इसको रिप्लेस करके हम लोग देखिए पीएचपी टेस्ट यहाँ पर आ रहा है, आ रहा है ना, यहाँ पर टाइटल में पीएचपी टेस्ट आ रहा है, जो यहाँ पर लोगों को प्रोग्राम में लिख रहा है, ठीक है, और ऊपर जाएगा यहाँ पर दिखेगा जो यहाँ पर लिख रहा पीएचपी टेस्ट, ठीक है।
वहां पर पीएचपी टेस्ट की जगह हम लोग लिखते हैं गेस गेस गेट टाइम टाइम टू डेज डेट एंड टाइम सेव करते हैं। देखो यहाँ पर प्रेस करते हैं, देखो यहाँ पर आ गया सोइंग टू डेज डेट एंड टाइम। तो ऐसे भी पीएचपी में हम लोग जब मर्जी एचटीएमएल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा स्ट्रिंग किसको कहते हैं, स्ट्रिंग में हम लोगों ने देखा कि स्ट्रिंग में डबल कोटेशन का इस्तेमाल होता है, क्लोज करने के लिए सेमी कॉलम यूज किया जाता है क्लोज करने के लिए, ठीक है। कुछ डेटा टाइप हम लोगों ने देखा और हम लोग अभी जानेंगे एरे के बारे में, ठीक है। एरे एक होता है, एरे डेटा टाइप होता है, उसके बारे में हम देखेंगे और सिंपल से देखेंगे, उतना ज्यादा मतलब दिमाग में प्रेशर नहीं देना, ठीक है। सिंपल से हम लोग देखेंगे कि एरे डेटा टाइप क्या होता है और उसको भी देखेंगे एकदम से विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। तो एरे जो होता है, एरे स्टोर ऑफ मल्टीपल वैल्यूज रखने के, सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल जो वैल्यूज रखने के लिए एरे का इस्तेमाल होता है, ठीक है। एरे का इस्तेमाल इसलिए होता है कि हम लोग रख पाए, जैसे कि मैं एक कोड लिखता हूँ यहाँ पर, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि पीएचपी में एरे का इस्तेमाल क्यों होता है, सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल डेटा टाइप, ठीक है, तो रखने के लिए एरे का इस्तेमाल होता है। एरे एक डेटा टाइप है भी, आपको एक कोड लिख के दिखाता हूँ जहाँ पर एरे का इस्तेमाल है और आपको समझ में आ जाएगा कि एरे का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जैसे कि मान लो कि एक कोड यहाँ पर लिखा गया है और शोइंग द एरे सेव कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ये स्ट्रिंग है, सारा का सारा जो है स्ट्रिंग है और मल्टीपल डेटा टाइप, सेम जो है स्ट्रिंग ही है लेकिन मल्टीपल डेटा टाइप यहाँ पर दिखाने के लिए। देखिए ये एक वेरिएबल है, कलर्स बोल रहा है कलर्स, हाँ, आउटपुट एलिमेंट इज इंडेक्स्ड एरे, ठीक है, इंडेक्स्ड एरे, इसको एरे कहा जाता है, ठीक है। देखिए एरे का आउटपुट हम लोग देखेंगे इसके बाद, इंडेक्स्ड एरे रेड ग्रीन ब्लू, अगर किसी को हम लोग यहाँ पर इको करना चाहे तो इको कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ कि रेड को इको करते हैं, रेड को प्रिंट करते हैं, इको रेड सेव करो तो ये आ जाएगा यहाँ पर रेड, यहाँ पर रेड डबल आ गया, ठीक है, तो समझ गए।
कलर्स जो फॉर इच कलर से शो कर देगा, इको कलर्स मतलब इसको ये शो कर रहा है, यहाँ पर शो कर रहा है कलर्स एज कलर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने देखा कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल को पहले डॉलर साइन लगता है, ठीक है। तो एरे हम लोगों ने देखा, इससे पहले हम लोगों ने पोर्ट के बारे में जाना था, ठीक है। आज हम लोगों ने इसको क्लोज कैसे करना है, ओपन कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है, ये भी हम लोगों ने मेमोराइज किया। तो मैं समझता हूँ कि क्लास अच्छा रहा होगा, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।